चाया साजिश, लालेश्वर साहनी के इशारे पर हुई धनराज यादव की हत्या। दो शूटर सहित पांच अपराधी को पुलिस ने धार दबोचा। कटिहार पुलिस ने धनराज यादव हत्याकांड की उपवेदन कर दिया है। पुलिस की माने तो हत्या पशु तस्करी में वसूली और वर्चस्व की लड़ाई में धनराज यादव की जान गई है। उनकी हत्या की साजिश कटिहार जिले में बंद कुख्यात अपराधी लालेश्वर साहनी उर्फ लालू साहनी ने रची थी। साजिश उसी के इशारे पर शूटर मासूम कुमार और सचिन कुमार ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। मासूम कुमार ही अपने दो अन्य सहयोगी के साथ उन्हें गोली मार मौत की नींद में सुलाई थी। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल नामजद तीन और छापेमारी के दौरान हथियार के साथ दो सहित कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी विकास कुमार ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि 17 नवंबर बुधवार की सुबह 8 बजे हवाई अड्डा नया टोला में सड़क के बीच मोटरसाइकिल सवार तीन अपराधियों ने धनराज यादव की हत्या कर दी थी। मृतक की पत्नी प्रमिला देवी के मर्द बयान पर सहायक थाना में 8 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तार अपराधियों के पास थे एक राइफल, दो नाली बंदूक और 17 पीस जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट कटिहार। 17/11 को शरीफगंज के धनराज यादव की हत्या कर दी गई थी। उस हत्या के अनुसंधान के क्रम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर कटिहार के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा दो शूटर को गिरफ्तार किया गया है। अनुसंधान के क्रम में ये पाया गया कि इस हत्याकांड के पीछे वर्तमान में जेल में बंद लालेश्वर साहनी और लालू साहनी का हाथ है। इस कांड में दो शूटर मासूम कुमार और सचिन कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही पर दो अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए इन सभी के पास से एक 315 का राइफल, एक 12 बोर का राइफल, एक 12 बोर का मस्केट और एक 315 का देसी कट्टा बरामद किया गया है। साथ ही 13 राउंड 12 बोर का जिंदा कारतूस, 315 बोर का 4 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल भी बरामद किया गया है। धनराज हत्याकांड में शामिल अभी तक कुल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और इस कांड में जो भी शामिल थे उनकी निशानदेही, उनकी पहचान भी हो गई है और घटना का कारण भी अब अनुसंधान में बहुत हद तक स्पष्ट है। सीसीटीवी फुटेज के टीवी और अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान से भी दोनों शूटर की इस घटना में शामिल रहने की पुष्टि हुई है। दो शूटर हत्या का मूल वजह क्या था? हत्या का कारण कुछ पूर्व का विवाद था जो अनुसंधान अंतर्गत है, जो बिंदु है जो अनुसंधान अंतर्गत है। देखिए पूर्णतः इससे नहीं जोड़ा जा सकता है। 2-3 बिंदु स्पष्ट हुए हैं जो सभी अनुसंधान है। घटना का मास्टरमाइंड बालेश्वर साहनी और लालू साहनी है जो वर्तमान में जेल में। इन दोनों प्रकरण चूंकि आर्म्स एक्ट से रिलेटेड भी गिरफ्तारियां हुई हैं तो पूरे प्रकरण में कुल 5 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें धनराज यादव के हत्याकांड में शामिल 3 अपराधी और आर्म्स एक्ट में भी 2 अपराधी, कुल 5 गिरफ्तारी। हाँ, हत्याकांड में अन्य अभियुक्त हैं जिनके गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।